हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। इफ यू न्यू हियर, माय नेम इज संदर्शा एंड आई मेक वीडियो इन फैशन लाइफस्टाइल इंडिया वे। सो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की हमारी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओल्ड क्लॉथ या फिर अपनी ओल्ड टी शर्ट्स या जैसे कि मैंने आपको थंबनेल के वीडियो के थंबनेल में या फिर जैसे आप देख सकते हैं नीचे शर्ट जो किसी रीजन की वजह से फट चुकी है, होल हो चुका है, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास शर्ट थी, ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा मैंने पहनी थी, उसके बाद ये सारी ख़राब हो चुकी थी। एक तो इसका कलर उतर चुका था और दूसरे इसकी पॉकेट किसी रीजन की वजह से फट चुकी थी और इसमें इतना बड़ा होल हो चुका था, तो उसको मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया ये सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली एक मेरी ब्लैक कलर की शर्ट है जिसके पॉकेट वाली जगह पर होल हो चुका है, किसी रीजन की वजह से फट चुके हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो शर्ट जिसके आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं हाथ से आपको दिखाता हूँ, ये देखें कैसे इसमें होल हो चुका है। तो इसको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये फेडेड हो चुकी है तो इस पर मैं थोड़ा सा कलर करूंगा, ब्लैक कलर करना बताऊंगा, कैसे इस पर कलर करना है, कलर करने के बाद इसको कैसे कवर करना है मैं वो आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी चीज़ें मैं लगाऊंगा इस पर और कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा वो मैं आपको। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेसिकली मेरे पास एक जीन्स का ये पीस है जिसके मैं पॉकेट बना के शर्ट के एक्स्ट्रा जिधर से वो फटा उधर लगाऊंगा, और उसके साथ मेरे पास कुछ हैं स्टिकर्स वगैरह जो कि आयरन के साथ प्रेस करके मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि ये मूछें हैं और 2-4 ये एक एक्स्ट्रा जैसे कि ये एडिडास का लोगो वगैरह और कुछ इसमें है सब कुछ वो मैं इस पर लगाऊंगा। और ये कहाँ से मिलते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, अपनी सिंपली किसी भी शॉप पर जाना जिससे नलकियाँ वगैरह मिलती हैं उनको बोलना है कि स्टिकर्स दे दें जो कपड़ों पर लगाते हैं, तो वो आपको ये स्टिकर्स दे देंगे। सो ये स्टिकर्स लगाऊँगा तो स्टिकर्स लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जो है वो इस पर ये लगाऊंगा, ये लगाने के बाद इसको मैं सबसे पहले इसको कलर करूंगा, कलर करने के बाद इसके लिए एक्स्ट्रा पॉकेट बनाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉकेट बनाने के बाद ये आयरन के साथ लग जाएंगे और उसको ग्लू के साथ या वैसे हम सिलाई लगा के मैनेज कर लेंगे। तो मैं आपको कलर करना दिखाता हूँ कैसे करना। बेसिकली मेरे पास ये दो कलर और ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स को तो बाद में जब हम कलर करेंगे उसके लिए, और ये है कलर, ब्लैक कलर का कलर। आपने इस तरह करना है कि जितनी क्वांटिटी में आपने ये कलर लेना है उतनी क्वांटिटी में आपने इसमें साल्ट डाल देना है। अगर मैं इसमें एक स्पून ले रहा हूँ कलर और मैं एक स्पून इसमें डालूँगा नमक, तो अभी मैं इसमें जो है वो इसको बनाता हूँ। तो पानी बॉयल में आपने अच्छी तरह से पानी बॉयल करना है, पानी बॉयल करने के बाद उस आपने इसमें ये डाल लेना और उसके साथ ही बाकी नमक और ये कलर डालना है, तो उसको डाल के बाकी मैं डिप करके कैसे इसको कलर करना है वो आपको बताता हूँ। यू कैन सी मैंने इसमें पानी और साथ कलर और साल्ट, 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून ही कलर डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उबल रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है और पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म किया था, तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा पानी, मे बी शर्ट इसमें डिप ना हो तो इस वजह से। अभी ये सारा ब्लैक हो चुका है तो इसमें अभी मैं क्या से कहते शर्ट डालूंगा ब्लैक, और इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगा। 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको मैं वॉश करूँगा, वॉश तो करने के लिए वो शर्ट जो मैंने करनी है कलर इसको, और ग्लव्स आपने यूज़ करने हैं क्योंकि एक तो कलर आपके हाथों को लग सकता है और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसको अभी तक हाथ नहीं लगाऊंगा जिसके इसके अंदर से धुआं निकलेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा की ज़रूरत होगी। देन फिर मैं इसमें पानी डालूंगा और तो इसको ऊपर ऊपर से मैं डिप करूंगा, और इसके साथ ही इसकी दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से एक कॉर्नर से पकड़ के डिप करूंगा कि ये सारे का सारा इसमें कलर पकड़े, क्योंकि एक साइड से इसके नीचे की तरफ से भी डिप हो चुका है, दूसरी साइड से भी इसी तरह मैं करूँगा। और करने के बाद जैसे क्या देख सकते हैं मैंने इसको टच किया है तो है काफ़ी गर्म, बट इट्स ओके कि आप जितना इसमें क्या से कहते हैं कर ले। और आपने एक ये काम करना है कि आपने लाइट कलर के कपड़े नहीं यूज़ करें, अगर आप ब्लैक कलर कर रहे हैं तो ब्लैक ही कपड़े यूज़ करें। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अभी ट्राउज़र जो है वो ब्लैक पहन लिया, मैंने वाइट कलर का पहना हुआ था तो अभी इसके नीचे भी है, तो क्योंकि ये क्लीन ना नीचे से गंदा हो जाए तो इसको मैं अच्छी तरह से इसमें रखता हूँ, रखने के बाद 10 मिनट के बाद इसको वॉश करता हूँ, वॉश करने के बाद इसको ड्राई करता हूँ, ड्राई करने के बाद बाकी रिमेनिंग वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस कलर करने के बाद आपने देखा जैसे फर्स्ट टाइम इतनी फेडेड थी, उसका कलर सारा ख़राब था, अभी कलर की है प्रॉपर ब्लैक हो चुका है जैसे मैंने बाय की थी वैसे। तो इस होल को कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है वो जब आप गए उधर से शॉप पर तो आपने उसको कहना है कि मैजिक दे दें, मैजिक एक पट्टी की तरह की होती है, वो इस तरह की होती है मैजिक, इसके एक साइड जो वो मैजिक वाली होती है जब इसको प्रेस करते हैं इसके साथ लग जाती है। तो हम इधर से प्रेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ मैजिक के साथ इसको लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसके नीचे वाले हिस्से को इधर से भी सिलाई लगानी है तो इसके लिए हमें ये चाहिए सपोर्ट।
तो हम इसको मैजिक को लगाएंगे प्रेस की मदद से। प्रेस की मदद से लगाने के बाद फिर हम इस जो हमारे पास ये पीस था इसकी पॉकेट बनाएंगे जिस साइज से हमें चाहिए। तो पॉकेट मैं थोड़ी सी बनाऊंगा डिफरेंट टाइप की, क्योंकि पहले इसके ऊपर राउंड है, तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा डिफरेंट करके इस साइड पर लगाऊंगा। कैसे लगानी और क्या सीन करना मैं बताता हूँ पॉकेट और मैजिक लगाने के साथ। सो ये वो पीस जिसकी मैंने बनानी है पॉकेट। तो मुझे निशान लगाने के लिए नहीं मिली, स्केल नहीं मिला, तो इसलिए ये इसके साथ ही जाएंगे। ये एक साइड पे इस साइड से और इधर से मैंने लगाया। उसके बाद कटिंग मैं कवर कर लूँगा इसको, कैसे करना है कैसे नहीं। ये इधर से इसको ऐसे और ये वाला इधर से निशान मैंने लगाया इधर से। तो अब इसको कट करना, मैं कट करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी शेप बनेगी। और अभी ये मैं कट करके आपको दिखाता हूँ कैसा बनेगा, तो वो लगाता हूँ मैं मैजिक इस पे। सो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह सब तरह की बन गया। अभी मैं करता हूँ, ये बन गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद इसकी बैक साइड पे मैजिक लगाता हूँ। तो ये है वो मैजिक। आपने इसको भी आयरन की मदद से ही लगाना है। आयरन की मदद से आप इसको लगाएंगे, तो कैसे इसको लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये मैजिक की साइड से आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी सी फ्रेश होती है, ये इस साइड से थोड़ी सी स्लिपरी होती है और इस साइड से ये सिंपल होती है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको शर्ट को प्रेस करूँगा जिधर से फटी हुई है, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर ये मैजिक लगाऊँगा। तब भी मैं थोड़ा सा शर्ट को करता हूँ प्रेस ताकि वो अपनी शेप में हो जाए जो इधर से मुड़े हुए कोने हैं। और उसके बाद ये मैजिक का ये वाला पीस जितना आपको चाहिए मैंने तो सारा रख दिया। तो इसको आपने हाई हीट पे रख के ऐसे मरोड़ते रहना, मोड़ते रहना, क्योंकि जब ये एक जगह पे लगेगी तो ये ना हो कि आपकी शर्ट जल जाए। तो अभी इसके साथ मैं इसको सिक्योर करूँगा और ये इसके ऊपर कपड़ा लग चुका है। सो गाइस एज यू कैन सी ये अभी इस तरह से कवर हो चुकी है। इसके ऊपर मैं पॉकेट लगाऊंगा। पॉकेट लगाने तक अगर आपने इसके ऊपर सिंपली एक एडिशनल पॉकेट लगानी है, आप अपनी घर से भी किसी से लगवा सकते हैं या टेलर से किसी से लगवा सकते हैं। मेरे लिए इजी क्योंकि हमारे घर में सिस्टर है वो डिज़ाइनर, तो मैं इजीली उनसे कुछ भी जो भी करवाना चाहूँ कपड़ों के बारे में तो मैं करवा लूँ। तो आप टेलर से भी जा करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एडिशनल जो है वो लगाऊंगा पॉकेट। पॉकेट लगाने के बाद जो मैंने मैजिक बाय की थी वो लगाऊंगा, वो भी प्रेस के साथ ही लगनी है। इसको आप फैब्रिक ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू इतना ज़्यादा उससे कह सकते हैं कि महफूज तरीका नहीं। तो अभी मैं इसको सिलाई। सो फ्रेंड्स मैंने अभी इस पे लगवाई है पॉकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिब्ड किया ताकि इसकी थोड़ी सी यूनिक और डिफरेंट सी लुक लगे, और साथ ही इसके ऊपर एक ये छोटा सा स्टिकर ऐड किया है। स्टिकर ऐड किया, अगर आपको इस तरह के स्टिकर्स चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम का एक लिंक भी दे दूंगा और आप उधर से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये होगा उसके मे भी डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हों और स्टिकर्स जो हैं वो मे भी सस्ते हों, कुछ ऐसा सीन हो। अगर आपके एरिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं तो मैं फिर इंस्टाग्राम की लिंक दूंगा, आप उधर से बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक इस पॉकेट पे मूछें ऐड करूंगा और एक ऊपर एडिडास का लोगो या कुछ भी ऐसा ऐड करूंगा जो कि थोड़ी सी यूनिक लगे। नहीं तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉकेट पे मूछें ऐड करूंगा ताकि ये थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक लगे सिर्फ मेरे लिए। अगर किसी को ये ऐसा नहीं पसंद तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ ये पॉकेट के साथ ही जा सकता है। लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 ब्लैक कलर की शर्ट्स हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक लुक देने के लिए ताकि ये थोड़ी सी डिफरेंट दिखे बाकी ब्लैक से, तो इसके ऊपर ऐड करूंगा। सो मेरे माइंड में ये है कि सिर्फ इसे लगाऊं, इसको ऐड करूंगा, अगर प्यारा लगा तो ठीक है ना। अभी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी ये बुच के साथ ही जाऊंगा, तो इसको मैं भी करता हूं प्रेस। स्टिकर्स और एक्स्ट्रा पॉकेट ऐड करने के बाद कितना प्यारा हो चुका है। पहले आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बुरी थी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। और अब अगर आपको ये स्टिकर्स चाहिए तो मैं इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी इंस्टाग्राम की दे दूंगा, तो आप उधर से बाय कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।